नमस्कार, चित्रकला श्रेष्ठ कला में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने अध्याय 10 का राजस्थानी मूर्तिकला एवं मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का आगे का भाग पढ़ते हैं। तो आइए हम राजस्थान की मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य के बारे में शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ओसिया के बारे में जानते हैं। ओसिया यह स्थान जोधपुर से लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पर जैन एवं ब्राह्मण मंदिर बहुत अधिक मात्रा में बने हैं और ये अपनी स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में व्यापारियों और जैन वैष्णव धर्मों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 16 हिंदू एवं जैन मंदिर के अवशेष देख सकते हैं। साथ ही गुर्जर प्रतिहार शैली में बने इन मंदिरों में हमें शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर, महिषासुरमर्दिनी, नवग्रह, कृष्ण, हरिहर, सचिया माता, भगवान महावीर, पीपला माता एवं दिक्पाल आदि के कई मूर्तियां देख सकते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के मंदिर हम ओसिया में और 10वीं-11वीं शताब्दी के मंदिर हम ओसिया के पास एक पहाड़ी है उस पर देख सकते हैं। इसमें प्रमुख सचिया माता का मंदिर है। सचिया माता मंदिर का निर्माण 1178 में परमारक शासक उपेंद्र ने करवाया था। सचिया माता परमारक शासकों की कुल देवी थी तथा ओसवाल जैन धर्मावलंबियों की कुल देवी के रूप में भी ये जानी जाती हैं। यह मंदिर ओसिया ग्राम के पास एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर के लिए सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार बने हैं जो शक्ति के 9 रूप के रूप में प्रसिद्ध हैं। सचिया माता मंदिर के साथ साथ यहाँ पर कई वैष्णव मंदिर हैं। यहाँ चंडी माँ का मंदिर भी है, अंबा माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी हैं। साथ में गणेश एवं दुर्गा की प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ के मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्याम वर्ण की माँ सचिया माता की एक प्रतिमा है। इसके सामने स्थित मंडप में हवन कुंड भी बना है तथा शिखर पर स्वर्ण कलश एवं ध्वज भी है। मंदिर के दरवाजों पर पौराणिक एवं लोक कथाओं का सुंदर अंकन किया हुआ है। अब हम पीपला माता मंदिर के बारे में जानते हैं जो कि 10वीं-11वीं सदी में बना हुआ था। यह सूर्य मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। इसके गर्भगृह में महिषासुरमर्दिनी एवं कुबेर की प्रतिमाएं हैं। यहाँ 30 खंभे हैं और एक सभा भवन भी है। इसके शिखर पर कई शेष भाग हैं जो अब खंडर बन चुके हैं। ये मंदिर भी एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। अब हम जैन मंदिर के बारे में जानते हैं। ओसिया के जैन मंदिरों में महावीर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण नरेश वत्सराज ने 1783 ईस्वी 8वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी जी को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में स्वर्ण पर चढ़ी प्रतिमा स्थापित है जिसके दोनों ओर काले संगमरमर से बनी पार्श्वनाथ के मूर्ति शिल्प भी है। गर्भगृह के सामने एक सभागृह है और एक खुला मंडप भी बना हुआ है। इसका तोरण द्वार बहुत ही सुंदर है। इसके विभिन्न हिस्सों में जैन तीर्थकरों, देवी देवताओं एवं यक्ष यक्षिनियों को बनाया गया है। यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है। वैष्णो मंदिर में ओसिया के वैष्णो मंदिरों में हरिहर और सूर्य मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम हरिहर मंदिर के बारे में जानते हैं। यह हरिहर मंदिर 3 मंदिरों का समूह है जो श्री हरिहर को समर्पित है। हरिहर स्वरूप भगवान विष्णु एवं शिव का समेकित रूप है।
यह मंदिर भी एक ऊंचे चबूतरे पर ही बना हुआ है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है तथा तीसरा मंदिर जो है वो 9वीं शताब्दी में बना है। अब सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं। सूर्य मंदिर, इस मंदिर के मुख्य भागों में गर्भगृह, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, सभा मंडल व द्वार मंडप यहाँ प्रमुख हैं। जैसे कि नाम से ही मालूम होता है कि ये सूर्य भगवान जी को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी देव प्रतिमा नहीं है। इसके प्रवेश द्वार पे अलंकरणों से परिपूर्ण है, जिसमें लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, शिव, गणेश एवं कुबेर की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के बाहर महिषासुरमर्दिनी, सूर्य एवं गणेश की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। छत पर हम कमल पर लिपटे सर्पों की आकृतियां देख सकते हैं। इस मंदिर में शैव एवं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कई आकृतियां बनी हुई हैं। ये मंदिर भी एक ऊंचे चबूतरे पर ही बना है और इसका निर्माण भी बलुआ पत्थर से ही हुआ है। आइए अब हम आभा नेरी के मंदिर और शिल्प के बारे में जानते हैं। आभा नेरी दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर तथा बांदी कुएं से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। इसका पुराना नाम आभा नगर अर्थात चमकदार नगर था। यह गुर्जर और प्रतिहार के समय में बहुत ही समृद्ध था। आभा नेरी का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। इसे मिहिर भोज को राजा चांद के नाम से भी जाना जाता है। राजा चांद ने आभा नेरी में कई अद्भुत शिल्पकृतियों का निर्माण करवाया था, जो आज भी जयपुर और आमेर में देख सकते हैं। 8वीं व 9वीं सदी का हर्षद माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हर्षद माता के मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में चौहान वंशीय राजा चांद ने करवाया था। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण से बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ। इस मंदिर के गर्भगृह में हर्षद माता को प्रसन्न मुद्रा में नीलम के पत्थर से बनी लगभग 6 फीट ऊंचाई वाली प्रतिमा थी, जो कि बाद में चोरी हो गई थी। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। यहाँ के मंदिर के विभिन्न भागों में हम महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, पार्वती, अर्धनारीश्वर, शिव, विष्णु, सूर्य, भैरव, नाग, नागिन, रति, कामदेव, प्रेमी युगल, समुद्र मंथन आदि का मूर्तन देख सकते हैं। यहाँ पर देवी दुर्गा की प्रतिमा जो कि आमेर संग्रहालय में है, उन्हें श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा में देवी को दर्पण में निहारते हुए, सिंदूर लगाते हुए और पैरों के घुंघरू ठीक करते हुए दिखाया गया है। अब हम चांद बावड़ी के बारे में जानते हैं। इस मंदिर के सामने चांद बावड़ी स्थित है। हर्षद माता के मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी मंदिर है, जिससे यह मालूम होता है कि व्यक्ति चांद बावड़ी में स्नान करने के बाद ही मंदिर में जाता था। इसका निर्माण भी 9वीं शताब्दी में राजा चांद ने करवाया, जिसके कारण ही इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। यह बावड़ी विश्व में सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है, जिसमें ऊपर से नीचे तक देखने में पक्की सीढ़ियाँ ही नजर आएगी। इस बावड़ी की चौड़ाई लगभग 35 मीटर तथा गहराई 19.5 मीटर है। इस बावड़ी में सीढ़ियों के 13 तल बने हैं तथा कुल 3500 सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ बावड़ी के तीनों ओर समान रूप से बने हुए हैं। बावड़ी में एक और 3 मंजिल भवन भी है। यहाँ पर नित्य कक्ष बना हुआ है। बावड़ी के सबसे नीचे की मंजिल पर गणेश एवं महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। यहाँ एक 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग भी है। यहाँ पर स्तंभ युक्त वर्गाकार बरामदे भी बने हुए हैं। इस बावड़ी को अंधेरे व उजाले की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चांदनी रात में इसका नज़ारा देखने लायक होता है।
आभा नेरी के मंदिर एवं मूर्ति शिल्पों की कला में महामारू शैली के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा देवी के विभिन्न रूपों और भाव भंगिमाओं को देखने को मिलता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से आभा नेरी की बावड़ी बहुत ही अद्भुत है, जिनमें चांद बावड़ी सबसे अलग है। आइए अब हम जगत मंदिर के बारे में जानते हैं, जो कि उदयपुर में है। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जगत नामक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर अंबिका माता का एक मंदिर है। अंबिका माता का यह मंदिर जगत ग्राम में स्थित है। देवी दुर्गा को समर्पित यह मंदिर मूर्तियों के खजाने की तरह है। इस कारण इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। यहाँ मंदिर के चारों ओर एक विशाल परकोटे से इसको घेरा है। इस परिसर में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त एक छोटा मंदिर भी है। मुख्य मंदिर के पूर्व दिशा में 50 फीट की दूरी पर एक प्रवेश मंडप भी है। इसके प्रवेश द्वार पर देवी की आकृतियाँ और प्रेमी युगल का अंकन किया गया है। छत पर समुद्र मंथन का दृश्य अंकन हुआ है और यहाँ पर देवी के विभिन्न रूपों को भी बनाया गया है। प्रवेश मंडप की ऊंचाई देखें तो वह लगभग 15 फीट है। प्रवेश मंडप 6 गोलाकार स्तंभों पर टिका हुआ है। प्रवेश मंडप के अलंकरण में देवी वराही, नित्यरत शिव, कमल पुष्प, कीर्तिमुख, घट पल्लव, समुद्र मंथन दृश्य और अन्य रूप देखने को मिलते हैं। वराही के चार भुजाएं दिखाई हैं तथा उनके हाथ में मछली व अस्त्र को दिखाया गया है। यहाँ पर सभा मंडप और गर्भगृह की दीवारों पर देवी के विभिन्न रूपों को प्राथमिकता दी गई है। सभा मंडप के बाहरी भाग में दिक्पाल, अप्सराएं, वीणा धारिणी, सरस्वती, देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप और अन्य देवी देवताओं का अंकन भी हुआ है। मंदिर के पार्श्व भाग में महिषासुरमर्दिनी, बाएं भाग में नित्यरत गणपति तथा उत्तर एवं दक्षिण की ओर दीवार पर देवी अंबिका की विभिन्न भाव भंगिमा वाली मूर्ति बनी है। जो महिषासुरमर्दिनी मूर्ति है उसमें देवी दुर्गा को महिषासुर का मर्दन करते हुए दिखाया गया है। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं और वो भैंसे के रूप में महिषासुर की गर्दन को काटकर धड़ से अलग करते हुए दिखाया गया है। यह मंदिर अलंकरण से युक्त है, इसी कारण यह मंदिर अन्य मंदिरों से एक अलग पहचान रखता है। आइए अब हम बारडोली के बारे में जानते हैं। बारडोली कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा कस्बे के पास है। यहाँ पर 8वीं से 12वीं शताब्दी के मंदिर एक समूह के रूप में हैं। इन मंदिर समूह में 9 शैव मंदिर भी मिले हैं, जिसमें शिव, विष्णु, त्रिमूर्ति, वामन, महिषासुरमर्दिनी और गणेश के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिर को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स टोड को दिया जाता है। ये सभी मंदिर बिना जगती हैं, बिना प्रदक्षिणा पथ के बने हुए हैं। इनमें आंतरिक दीवारों पे आपको अलंकरण का अभाव दिखाई देगा। वास्तु अलंकरण के अध्ययन के आधार पर इन मंदिर को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें प्रथम समूह में 9वीं शताब्दी में बने मंदिर संख्या 1 और मंदिर संख्या 8 को रख सकते हैं और दूसरे समूह में 10वीं शताब्दी में बने मंदिर संख्या 4, मंदिर संख्या 5, मंदिर संख्या 6 और मंदिर संख्या 7 है तथा तीसरे समूह में 10वीं और 11वीं शताब्दी में बने हुए मंदिर जिनमें मंदिर संख्या 2 और मंदिर संख्या 3 और मंदिर संख्या 9 को रख सकते हैं। जो 9 मंदिर हैं उनमें से 8 नंबर का जो मंदिर है वो 2 समूह में है और 1 नंबर का जो मंदिर है वो उत्तर पूर्व में लगभग
आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सबसे प्रमुख घटेश्वर शिवालय मंदिर है। यह मंदिर जरेश्वर का है, शायद इसीलिए इसका नाम घटेश्वर के रूप में सामने आया है। शिवलिंग की आकृति घट के समान होने के कारण भी हो सकता है कि इसका नाम घटेश्वर पड़ा हो। इस मंदिर को मुख्यतः गर्भगृह, अर्धमंडप, अंतराल एवं रंगमंडप में विभेदित कर सकते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में 5 शिवालय स्थापित हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर की तरफ शिव नटराज और द्वार के दोनों साइड शैव द्वारपाल के मूर्ति बनी हुई है। गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर नटराज, चामुंडा और त्रिपरांतक की प्रतिमाएं भी बनी हुई है। सभी मूर्तियों को देखने से यह लगता है कि यह एक शिवालय है। ये सभी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रसिद्ध भी हैं। आज हमने राजस्थान की मूर्तिकला एवं मंदिर स्थापत्य के बारे में जाना। अगले भाग में हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।